क्या कंपनी तुरंत छोड़ सकते हो? फॉर एग्जांपल आपने 10 तारीख किसी भी 10 तारीख को ज्वाइन करा और वो आप चाह रहे हो कि 15 तारीख को मुझे कंपनी छोड़नी है, या 5 से 10 दिन में क्या आप कंपनी छोड़ सकते हो? तो उसी के बारे में आज बात करेंगे कि इसका फंडा क्या काम करता है और कंपनी तुरंत छोड़ने के बाद आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईडी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से इस छोटी सी इंट्रो के बाद। जी हाँ दोस्तों, कंपनी आप तुरंत छोड़ सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आपकी वहाँ पे कंपनी में सिचुएशन क्या है। सिचुएशन का यहाँ पे आपका मतलब है कि अगर कंपनी ने आपसे एग्रीमेंट पे साइन कराया है तो आप कंपनी नहीं छोड़ सकते हो। कंपनी छोड़ सकते हो एग्रीमेंट पे अगर आपने साइन किया है, वो भी उस कंडीशन में जो कंपनी ने उस एग्रीमेंट पे आपके बॉन्ड पे सिग्नेचर करवाए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने गए और वहाँ पे कंपनी ने एग्रीमेंट पे साइन करा लिया कि आप यहाँ पे 1.5 साल या 2 साल तक काम करोगे, अगर उसके पहले आप छोड़ के जाते हो तो आपको 50,000 1 लाख रुपए कंपनी को पेड करने पड़ेंगे। तो इस कंडीशन में आप कंपनी नहीं छोड़ सकते हो। और अगर आप छोड़ोगे भी तो जो कंपनी के बाउंड पे साइन किया है, जो एग्रीमेंट पे साइन किया है, वो आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अगर कंपनी ने बोला है कि 1 लाख रुपए आपको पेड करना पड़ेगा तो कंपनी को 1 लाख रुपए आपको पेड करना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर कंपनी मान जाती है कि चलो ठीक है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी टर्मिनेट कर देती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंपनी चाहे तो आपके अगेंस्ट फिर एक्शन भी ले सकती है अगर आप एग्रीमेंट के पहले जॉब छोड़ रहे हो, क्योंकि आपने एक एग्रीमेंट पे साइन किया होता है। अगर आपने एग्रीमेंट पे या बॉन्ड पे या किसी भी तरीके के वहां डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं किया है तो आप 5 दिन में क्या 2 दिन में भी कंपनी छोड़ सकते हो। कंपनी से कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे आपने किसी भी एग्रीमेंट पर साइन नहीं करा होता, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों फ्रीली होते हैं। एम्प्लॉय भी कभी टर्मिनेट कर सकता है और एम्प्लॉयर भी कभी टर्मिनेट कर सकता है और एम्प्लॉय भी कभी रिज़ाइन कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें फ्री होती हैं। तो यहाँ पे मैं दोस्तों एक ही बात बोलूँगा कि ट्राई करो, 99.99% में किसी भी एग्रीमेंट या बॉन्ड पे साइन करके कंपनी में मत जाओ। क्योंकि कंपनी जब इंटरव्यू लेती है, जब ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, तो क्योंकि उस टाइम कंपनी का कुछ एक अलग होता है, यानी कि वो अलग चीज़ें बताते हैं। हाँ, कि कंपनी बहुत अच्छी है, आपको 8 घंटे से ज़्यादा नहीं रोका जाएगा, आपको इतनी सैलरी में हाइक मिलेगा हर साल, ये वो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कंपनी की जो रियलिटी होती है ना, वो कंपनी के अंदर जाके पता चलती है कि कितना वहाँ पे काम है, कितना वर्क प्रेशर है, सैलरी हाइक होगी कि नहीं होगी, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो कोशिश करो कि अग्रीमेंट पे साइन ना हो। एंड अगर इसके बाद जब लास्ट ऑप्शन रह जाता कि अपने पास जॉब मिल ही नहीं रही है, 1 साल 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक ट्राई करते रहे, तो फिर आप एक बार एग्रीमेंट पे साइन करो और जो ऑफर लेटर होता है, जो ज्वाइनिंग लेटर होता है ना, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग हम लोग सारी चीज़ें उस पर साइन करते हैं। तो बिना पढ़े कभी भी एग्रीमेंट पर साइन मत करना जॉब ऑफर के लिए या ज्वाइनिंग लेटर के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। क्योंकि जब हम लोग कंपनी को ज्वाइन करने जाते हैं तो एक ज्वाइनिंग लेटर और ऑफर लेटर मिलते हैं वहाँ पे हार्ड कॉपी में, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो अपन लोग कभी पढ़ते नहीं हैं जल्दी से। लेकिन मैं यहाँ पे यही रिकमेंड करूँगा कि उस पेज को पूरा पढ़ो, टाइम लो। आपने इंटरव्यू दिया है, आपका सलेक्शन हुआ है, आपकी कुछ वैल्यू है उस कंपनी को, तभी अभी आपको सेलेक्ट करा है, तो टाइम लेके उसे पढ़ो। पढ़ के भी कुछ समझ नहीं आ रहा है या नहीं भी, अगर आप पूरा क्लियर में पढ़ पा रहे हो, या मतलब 10-15 पेज पूरा नहीं, फिर भी ओरली जो सामने आपके एचआर बैठा हुआ है या वहाँ का जो भी रिक्रूटर होगा उससे बात करो कि किसी भी कुछ एग्रीमेंट वगैरह पे साइन तो नहीं है। इसमें टर्म एंड कंडीशन एक उसमें पेज और आपको मिलेगा, टर्म एंड कंडीशन एम्प्लॉय का, तो वो पेज आप ज़रूर पढ़ो। और उसके बाद आप एक बार उससे वर्बली भी पूछो कि कोई भी एग्रीमेंट या बॉन्ड तरीके का तो इसमें नहीं है। क्योंकि आप ये मत डरो फिर कि यार मैं इससे ऐसी बातें करूँगा तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे बोल देगा मत आओ, या आपका हक होता है और कंपनी और जो एचआर टीम होती है वो आपको बताती भी, ऐसा भी नहीं, कई बार कई कंपनीज में नहीं बताती और बाय मिस्टेक आपसे साइन करवा के फिर वहाँ पे आप लोग फंस जाते हो। तो ये चीज़ बिल्कुल ना हो, जितने भी एग्रीमेंट पे या बॉन्ड पे साइन कर रहे हो। बाकी वो चीज़ें आपको तो आई होप पहले से ही पता होगी कि वो कहते हैं ना कि प्लेन पेपर पे साइन नहीं करना चाहिए या और कोई कागज़ हो उस पे डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें पता होती हैं। लेकिन फिर भी हम लोग ऑफर लेटर ज्वाइनिंग लेटर लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, चल यार जॉब मिल रही है, फटाफट साइन किया और उनको दे दिया, और बीच में अगर कहीं उन्होंने मेंशन किया होगा कि आपका 1 साल का एग्रीमेंट है, फिर क्या करोगे? तो सच्चा पूछ भी लो और पढ़ भी लो, इसके बाद साइन करो वहाँ पे।
सो आए दोस्तों, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि अगर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत एंड बी सेफ।